नमस्कार, चेतनाज न्यू किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की गर्मा गर्म और हेल्दी मिठाई सूजी की जलेबी मालपुए। तो ये हम सूजी से ही तैयार करेंगे, इसमें हम मैदा बिल्कुल भी नहीं मिलाएंगे, इसीलिए ये बहुत हेल्दी बनते हैं। तो चलिए बनाते हैं जलेबी और मालपुए। 200 ग्राम बारीक वाला रवा लेंगे और उसको मिक्सर में पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, फिर भी करीब 2-3 बार मिक्सर को चला लीजिए। सूजी के इस एक घोल से ही हम जलेबी और मालपुए दोनों बनाएंगे। और अब इसमें मिलाएंगे हम दही। तो इस तरह का दही हमें लेना है। ये मैंने 3 टेबल स्पून दही लिया है, बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं और बिल्कुल ताज़ा भी नहीं। तो जिससे कि जो जलेबी बनेगी तो उसमें खमीर जैसा खट्टापन आ जाएगा। ये मैं मिला रही हूँ 300 मिलीलीटर दूध, सिंपल दूध है रूम टेम्परेचर का, और करीब 150 मिलीलीटर पानी। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छे से मिला दीजिए दूध, पानी और रवे को, और करीब 1 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। जब तक हम बना लेते हैं चाशनी। तो चाशनी के लिए हम 2 कटोरी शक्कर और 1 कटोरी पानी, थोड़ा सा केसर, सभी को मिक्स कर लीजिए। और इसमें धीमी आंच पर इस तरह का उबाल आने के बाद 3-4 मिनट तक इसे पका लीजिए। तो बहुत अच्छी एक तार की चाशनी बन जाएगी। मैं आपको बताती हूँ किस तरह की चाशनी बनानी है। तो ये देखिए, इस तरह की स्टिकी चाशनी बन जाएगी, हल्का सा तार दिखेगा आपको। तो ये जलेबी की चाशनी बनके तैयार है। इसमें मैं थोड़ा सा कलर भी मिला रही हूँ, आप चाहे तो केवल कलर भी मिला सकते हैं, केवल केसर भी। तो ये चाशनी बनके तैयार है। और अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। चाशनी बहुत गर्म है, उधर हमारा जो रवे का घोल है वो तैयार हो गया होगा। तो ये देखिए, 1 घंटा हो चुका है। अब मैं इसको वापस मिक्स कर रही हूँ। बहुत अच्छे से इसे वापस मिक्स कर लेंगे। और इसमें 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाला है मैंने। आप मूंगफली का ऑयल भी ले सकते हैं, सोयाबीन का भी ले सकते हैं, मैंने मूंगफली का लिया है। और इसको वापस मिक्स करूँगी, फिर वापस बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे हम क्लॉकवाइज। तो अच्छे से इसे फेंट लीजिए। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून बेसन। तो बारीक वाला बेसन लेना है, और इसको फिर मिक्स करेंगे हम क्लॉकवाइज 2-3 मिनट तक। तो इसको मिक्स करके हम बहुत अच्छे से 2-3 मिनट तक अलग रख देते हैं। और अब हम एक कढ़ाई में घी गरम कर लेते हैं। तो ये मैंने शुद्ध घी लिया है, आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, जलेबी टेस्टी बनेगी। और घी को इतना लेना है कि जलेबी डीप फ्राई हो जाए। और इसको हम बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे भी नहीं गरम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा तेज़ गरम कर लीजिए। ऐसे नहीं कि घी जल जाए, धुआं निकलने लगे, पर तेज़ गरम कर लीजिए। जब तक हम इस घोल को एक इस तरह की बॉटल में भर लेते हैं, आप चाहें तो पॉलीथीन में भी भर के बना सकते हैं, जैसे हम मेहंदी की कोन बनाते हैं उस तरह से भर के आप पॉलीथीन को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की बॉटल मिल जाए तो इजीली बन जाती है। इसको कवर कर देंगे, इस तरह से टाइट कर देंगे ढक्कन को। और अब हम जलेबी बनाएंगे। तो घी गरम हो चुका है, और गरम गरम घी में इस तरह से शेप देके आप जलेबी तैयार कर सकते हैं। घी इतना ही गर्म होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो जलेबी अंदर से नहीं सिकेंगी और जल जाएंगी। तो जितनी भी इस घी में जलेबी आ जाएंगी, हम बना के इसमें ऐड कर देते हैं। ये बहुत आसानी से बन जाती हैं और हेल्दी भी हैं, क्योंकि रवे की जलेबी हैं, टेस्टी भी बनती हैं। आप सर्दियों में इन्हें गरम गरम बना के जब मन हो तब खा सकते हैं। तो इसको धीमी आंच पर 3-4 मिनट तक हम ब्राउन होने देंगे। और अभी हम नहीं पलट रहे हैं, जब 3-4 मिनट पक जाएंगी ये, सिक जाएंगी, उसके बाद इसे पलटेंगे। तो गैस को हम सिम कर देते हैं, क्योंकि अभी घी थोड़े तेज़ गर्म घी में हमने डाली थी, अब हम सिम करके पका लेंगे करीब 3-4 मिनट। तो ये देखिए, फ्राई हो चुकी हैं 3-4 मिनट। अब मैं इसे पलट देती हूँ, तो ब्राउन हो गई हैं, आपको दिख ही रहा होगा इसका कलर अलग। और पलट के हम वापस इसे फिर से ब्राउन करेंगे दूसरी तरफ से।
तो ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन हो गई हैं और सिक गई हैं। अब हम इसे गरम गरम चाशनी में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये चाशनी, जब ये जलेबी चाशनी पी लेंगी तो सॉफ़्ट भी हो जाएंगी और बहुत ही टेस्टी बनती हैं, क्योंकि हमने इसमें दही डाला है, दूध डाला है। जब चाशनी इसमें अच्छे से भर जाएगी तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगी। तब तक हम और जलेबी तैयार कर लेते हैं, वो चाशनी में भीग रही हैं, मैं वापस और बना लेती हूँ। इनको भी हम उसी तरह से पलट कर ब्राउन कर लेंगे दोनों तरफ से। तो ये देखिए जो पहले ऐड करी थी हमने चाशनी में, वो भीग चुकी हैं। इसे आप अलग निकाल के रख सकते हैं और चाहें तो आप इसे चाशनी में डूबा रहने दें। तो मैं भी डूबा रहने दे रही हूँ, अभी इसे निकाल नहीं रही हूँ। और जो चाशनी में और जलेबी ऐड करनी है वो भी हम साथ में ही ऐड कर देंगे। पहले जो जलेबी थी उसको हमने साइड में कर दिया। तो जितनी भी जलेबी बनानी है आप चाशनी में डाल दीजिए और उसके बाद इसे 5 मिनट तक और रखा रहने दीजिए चाशनी के अंदर। आप चाहें तो अभी खा सकते हैं, ये काफ़ी मीठी हो चुकी होंगी, लेकिन अगर आप इसे चाशनी में पड़ा रहने देंगे तो ये घुटेंगी नहीं, बहुत अच्छी रहेंगी और टेस्टी बनेंगी। तो ये देखिए 5 मिनट बाद हम चेक करते हैं और अब ये सर्व होने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छे से फूल चुकी हैं और ना ज़्यादा ये ठोस होती हैं और बिल्कुल आप जैसे चाशनी में से निकालेंगे तो ये टूटेंगी भी नहीं, बहुत ही सॉफ्ट और खस्ता बनती हैं। अब हम इसे सर्व करते हैं। गर्मा गर्म जलेबी बन के तैयार है। अब जो थोड़ा सा बैटर हमने बचाया था उसके हम बनाएंगे मालपुए। थोड़ा सा पिस्ता मैं गार्निश कर रही हूँ इसके ऊपर, आप चाहें तो थोड़ी सी चाशनी भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम बनाते हैं मालपुए। तो उसी घोल से हम मालपुए बनाएंगे, बस उसमें हम एक इंग्रेडिएंट और ऐड करेंगे, उसके बाद गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी मालपुए तैयार करेंगे। इसमें मैं मिला रही हूँ 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर से मालपुए में एक अलग टेस्ट आता है, क्योंकि हमने ये दूध से ही घोला था, थोड़ा सा पानी ऐड किया था, और मिल्क पाउडर मिलाने के बाद ये और भी ज़्यादा मिल्की हो जाएगा। तो इस तरह से गरम घी में हम इस घोल को फैला देंगे मालपुए के आकार में। हल्का से हाथ से फैलाइए, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, वरना इसमें जाली नहीं आएगी और ये फूलेंगे नहीं। तो जितने भी मालपुए आ जाएंगे घी में, हम घोल को इस तरह से फैला देते हैं और इसको धीमी आंच पर हम पकने देंगे। मालपुए मैंने घी में ट्रांसफ़र कर दिए हैं और अब 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पर हम इन्हें तलेंगे और अभी नहीं पलटेंगे हम। जब ये इस तरह के सिक जाएंगे 3 से 4 मिनट बाद, तो हम इसे पलट देते हैं और पलट के दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह का ब्राउन कर लेंगे। तो ये मालपुए भी बहुत टेस्टी बनते हैं। आप रवे के एक ही घोल से 2 तरह की मिठाई तैयार कर सकते हैं, हेल्दी भी और टेस्टी भी, और इसमें कोई झंझट नहीं है, चाशनी भी एक ही बनेगी। इसको मैंने पलट दिया और अब मैं धीमी आंच पे से हल्का सा ब्राउन और कर लूँगी, क्योंकि मालपुए थोड़े ज़्यादा ब्राउन अच्छे लगते हैं, और निकाल लूँगी। तो एक एक मालपुआ हम इस तरह से निकालें। थोड़ा सा घी इसमें जो रहता है उसको कढ़ाई में रोके रहिए थोड़ी देर, तिरछा करके तो घी निकल जाएगा, उसके बाद चाशनी में डाल देंगे। अगर चाशनी ठंडी हो गई है तो आप उसको वापस हल्का सा धीमी आंच पे गरम कर लीजिए, बहुत ज़्यादा मत पकाइए क्योंकि उसमें फिर वो गाढ़ी हो जाएगी, या हल्का सा पानी डाल के और उबाल लीजिए तो चाशनी वापस गर्मा गर्म तैयार हो जाती है। और जितने भी मालपुए बनाना है हम बना लेंगे और चाशनी में 5 से 7 मिनट तक डूबा रहने देंगे, उसके बाद मालपुए सर्व करेंगे। बहुत अच्छे से चाशनी इसके अंदर भर गई है और अब इसे मैं सर्व कर रही हूँ। ऊपर से थोड़ी चाशनी और ऐड कर देते हैं।
किसी भी मनपसंद ड्राई फ्रूट से आप इसे गार्निश कर सकते हैं। हल्का सा पिस्ता डालेंगे हम, इससे गार्निश कर दिया है। और अब देखिए ये मालपुए कितने सॉफ्ट बने हैं, जालीदार और सॉफ्ट। तो आप जब चाहें ये दो तरह की मिठाई एक ही घोल से तैयार कर सकते हैं। आप भी बनाइए, सबको खिलाइए। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।